ग्वारफली की, ठीक है। नमस्कार, आज बनाएंगे हम ग्वार फली, ठीक है। ये 2 ग्राम ने साफ कर लिया है, ये 250 ग्राम है। अब इनको हम क्या करेंगे, उबालेंगे, ठीक है। कुकर में उबालना चाहते तो कुकर में या फिर कोई तपेली में, इनको हम ऐसे ही साबुत उबालेंगे इनको, ठीक है। ये कुकर लेंगे, इसमें हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे, ठीक है। 1.5 गिलास जितना पानी हो गया, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो फलियाँ हैं ना इनको डाल देंगे। अब इनको बंद कर देंगे और एक सीटी लगा लेंगे, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे भी उबाल सकते हो तपेले में, ठीक है। इसे ढक देंगे, एक सीटी आने पर बताते हैं आपको उबलती है उसके बाद क्या करना है इनका। ये देखिए, अब हम इनमें मसाले डालेंगे, ये लहसुन और ये हरी मिर्ची, ठीक है। 4-5 हरी मिर्ची, इनको आप कूटना चाहते तो कूट लेना, नहीं तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना, ठीक है। कम लेंगे हल्दी, ठीक है। 1 चम्मच मिर्च, धनिया 1.5 चम्मच जितना, 250 ग्राम है या फिर आप, ये मैं बता रही हूँ आपको इतना चाहिएगा, पर आप जितना चाहते हैं ज़्यादा खाना तो कोई भी सामग्री ज़्यादा डाल सकते हैं। ये 1/2 चम्मच नमक है, ठीक है। सूखा ही मिलाएंगे उसमें, हम बताते हैं फलियों को, अभी ठंडी हो गई होंगी, देखते हैं, ठीक है। ठंडी हुई के लिए अब इन फलियों को कुकर से निकाल लेंगे बाहर। ये थोड़ी गर्म है अभी, और ठंडा होने देते हैं, ये एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब इनको हम क्या करेंगे, छीलेंगे, ठीक है। गरम गरम है, बताती हूँ फिर भी कैसे छीलना हमको। ये देखो, ये इस प्रकार इनको हम छीलेंगे, ये इस तरह से छील छील के सारे हम अलग रख देंगे, क्योंकि ये जो कचरा है ना इनमें निकलता है साइड में, ये गले में फंस जाता है, दांतों में फंस जाता है, पेट के लिए भी ये नुकसान करता है, ठीक है। इनको हम, ये पेट में जाता है तो नुकसान करता है, ठीक है। पेट दर्द भी हो जाता है, गले में फंस जाता है, दांतों में फंस जाता है, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, अब ये जो है इसमें हमने जो मिर्च मसाला लिया था ना, ये इसमें डाल देंगे ऐसे ही, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे, वो जो भुनी हुई थी ना इसी में डाल देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो मसाला है उसे हम चूल्हे पे, हम क्या करेंगे, इसे लहसुन ये अदरक मिर्ची जो है इनको डाल देंगे। जलते हैं, नहीं लगता है पकने में, सिर्फ छीलने में टाइम लगता है, तो झंझट थोड़ा रहता है इनका छीन लेना। और इस तरह से बनाओगे ना आप, यकीन मानो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये बन चुके हैं, अब इनमें हम क्या करेंगे, फली डाल देंगे जो हमने छीन लिया, इनको अच्छे से मिला
दो तीन मिनट इनको अच्छे से भून लेंगे। दो तीन मिनट हो चुके हैं, अभी इसमें जाकर इलायची की धनिया डाल देंगे। आप चाहते हो आप जो डालना तो डाल सकते हो, ठीक है। बंद करने से पहले मैं क्या करूँगी, आधा नींबू डाल दूँगी। ठीक है, ताज़ा नींबू बढ़िया रहता है, आप ऐसे भी डाल के खा सकते हो, साथ में बाहर निकाल के, ठीक है, खाते टाइम भी डाल सकते हो, इसे थोड़ा मिला सकते हो। गैस को बंद कर दिया है, ये क्या है, पक चुकी है सब्जी, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे।